Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मटर कीमा मसाला ते शुरुआत करते हैं। सब तो पहला देखो जी, पानी असी चढ़ा रखा सीगा, ये बॉयल हो गया। इस दे विच असी ऐड करांगे जी 1 चम्मच नमक। तो ये जो नमक मैं ऐड कर रहा जी, थोड़ा जहा सॉल्टी मीडियम असी लैके आना इस पानी दे विच, क्योंकि जो सॉल्टी मीडियम होंगे ना जी, वो क्लोरोफिल का कलर बड़ा ही ब्राइट आता है। हुण तुसी सोच रहे हो क्लोरोफिल कित्थे है, ये जो मटर ने जी साडे, ये ग्रीन कलर जो आता जी वो क्लोरोफिल के कारण आता है। तो जो मटर आप बॉयल करने हैं, ये रंग होर निखारना है तो सॉल्टी मीडियम के करो। तो इतने मैं एक छोटा कप मटर का ऐड कर रहा, तो मटर आप 3 से 4 मिनट लिए बॉयल करांगे। तो देखो जी, कलर हुणे तो ही ब्राइट होना शुरू हो गया। तो इस स्टेज पर आप 1-1.5 मिनट लिए इसनों होर पकावांगे, तो फिर आप इसनों कढ़ लेना है तो रीफ्रैश करना है। रीफ्रैश का मतलब है कि जो भी तुसी गर्म चीज़ नूं ठंडे पानी च पाओ ना, तो उहदी कुकिंग उत्थे स्टॉप हो जाती है। तो मटरां नाल भी मैं इदां ही करांगा। तो यह बॉयल किए हुए मटर आप ही ठंडे पानी च पाने हैं, ताकि इसकी कुकिंग जी स्टॉप हो जाए, तो सानू ओवर बॉयल्ड मटर ना मिलन, बिल्कुल परफेक्टली बॉयल्ड मिलन। तो देखो जी, ठंडे पानी च पाते ही ना मटर का कलर होर भी ज़्यादा ब्राइट आया, बिल्कुल ब्राइट ग्रीन कलर जड़ा ना वो आया जी, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो हुण जी आप नैक्सट स्टैप शुरू करन लगे हैं, जो कि है चिकन कीमे नूं आप मैरीनेट करना है। बहुत वधिया फ्लेवर जड़ा ना हुणे आप इसलिए बनावांगे। तो सब तो पहला असी मैरीनेशन दे विच ऐड कर रहे हैं कुछ पाउडर स्पाइसिस। इत्थे शुरुआत कर रहे हैं जी, मैं बहुत ही घट 1/4 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। 1/4 चम्मच ही जा रही है हल्दी, तो 1/4 चम्मच जाएगी लाल मिर्च। इस ना कीमे दे विच थोड़ा जा फ्लेवर तिखापन इंप्रूव करन लई 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, तो कीमे नाल काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही वधिया लगता है। नाल असी ऐड कर रहे हैं जी 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर। 1/4 चम्मच जाएगा जी गर्म मसाला। 1 चम्मच भर के मैं ऐड कर रहा जी अदरक लसन की पेस्ट। तो हुण आपां इस दे विच ऐड करांगे कुछ मॉइस्चर वाले इंग्रीडियंट्स। सब तो पहला जाएगा जी 2 से 3 चम्मच काजू मगज की पेस्ट। तो इस दे नाल मैं इस दे विच 1 नींबू निचोड़ूंगा। 1 नींबू का रस जिहड़ा ना चिकन नूं बहुत वधिया फ्लेवर देगा। तो लैमन जूस दे विच एक बहुत इंट्रस्टिंग प्रॉपर्टी हुंदी है, इहदे विच हुंदा जी सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जदों भी प्रोटीन नाल इंटरैक्ट करेगा, प्रोटीन नाल मिलेगा, तो उसकी जिहड़ी कुकिंग है उसनों शुरू कर दिंदा है। एक्चुअली प्रोटीन नूं कोएगुलेट करना शुरू कर दिंदा, यह इहदा करैक्ट वर्ड है। तो इस तों बाद असीं ऐड करांगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। तो ऑयल दे नाल असीं ऐड कर रहे हैं थोड़ा जिहा मैरीनेशन नूं होर फ्लेवरफुल बनाउण लई प्याज की पेस्ट। इतने मैं 2 चम्मच प्याज ऐड कर रहा जी, असी इसनों पेस्ट कर लिया सी। तो हुण आपां चंगी तरह इसनों मिक्स करांगे। तो इस दे विच आपां ऐड करांगे जी साडा चिकन कीमा। तो कीमे दे नाल सारी मैरीनेशन ना बहुत वधिया तरीके नाल मिक्स करनी है, ताकि हर पासे बहुत सोहना फ्लेवर आना शुरू हो जाए। चंगी तरह इसनों आपां मिलावांगे। चिकन नूं मैं मैरीनेशन दे नाल बहुत सोहने तरीके नाल मिक्स कीता है। हुण आपां थोड़ी देर लई कीमे नूं रेस्ट करन देवांगे, ताकि ये सारे फ्लेवर जिहड़े आ अबजॉर्ब होने शुरू होण। तो आपां शुरू करदे हां जी एक फ्लेवरफुल तड़का बनाउण दा प्रोसैस। सब तो पहला तां जी देखो कुकिंग रेंज नूं ऑन करके हुण पैन दे विच मैं ऐड करूँगा 3 से 4 चम्मच देसी घिओ। ये देसी घिओ जिहड़ा ना बहुत वधिया हुंदा जी, गुड फैट्स दे विच आंदा है। ते घिओ नूं चंगी तरह आपां मेल्ट कर लैणा। तो लो जी, हुण घिओ नूं गर्म करके इहदे विच आपां ऐड करांगे जी चॉप कीता होया लसन। इत्थे मैं 2 चम्मच ऐड कर रहा जी लसन दे, ते नाल असीं ऐड कर रहे हैं चॉप कीता होया अदरक। अदरक दा 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं, ते 1 चम्मच ही ऐड कर रहा मैं हरी मिर्च। ये तीनों चीज़ां नूं आपां सौते करना। तो हल्का जिहा सौते करन तों बाद आपां इस दे विच ऐड करांगे चॉप कीते हुए प्याज। तो प्याज नूं आपां चंगी तरह भुन लेना जी। ते हुण आपां ऐड करांगे जी चॉप कीते हुए टमाटर। ते टमाटरां नूं आपां चंगी तरह मिक्स कर लेना। ते हुण जी इस स्टेज ते आपां ऐड करांगे कुछ पाउडर स्पाइसिस।
सब तो पहला मैं ऐड कर रहा नमक, लेकिन नमक का जो हिसाब है वो आप पहला मैरीनेशन भी पाया क्वार्टर चम्मच, तो इतने भी सिर्फ क्वार्टर स्पून ही ऐड करना मैं, ताकि टोटल रेसिपी सिर्फ अद्धा चम्मच नमक ही हैगा। तो नाल असी ऐड करांगे क्वार्टर चम्मच हल्दी, तो अद्धा चम्मच मैं ऐड कर रहा देगी लाल मिर्च। इस स्टेज पे थोड़ा कलर इंप्रूव करने लिए आप ऐड कर रहे हैं इसनों। इतने जा रहा जी क्वार्टर चम्मच जीरा पाउडर, अद्धा चम्मच जाएगा धनिए का पाउडर, तो नाल असी ऐड करना थोड़ा जहा गरम मसाला, तो चंगी तरह जी इसनों मिक्स कर लेना। तो लो जी हुण आपां ना मीडियम हीट पर इसनों तद तक पकावांगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं होंदे, ये थोड़ी जी अनियन टमाटो ग्रेवी तैयार नहीं होंदी, थोड़ा जहा ऑयल जदों निकलन लगेगा फिर आपां कंटिन्यू करते हैं अगला प्रोसैस। तो हुण जी देसी घ्यो सैपरेट हो गया जी, तो टमाटर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पर ना आपां ऐड करना जी बहुत इंट्रस्टिंग इंग्रीडियंट, अद्धा चम्मच जाएगी हींग, इसे देसी घ्यो दे विच इहनूं आपां भुन लवांगे, ते नाल मैं ऐड कर रहा दो तेज पत्ते, तो चंगी तरह इनू मिक्स कर लेना आपां। ते हुण आपां ऐड करांगे इहदे विच इह मैरीनेट किया होया चिकन कीमा, ते कीमे का देखो कलर ऑटोमैटिकली थोड़ा चेंज हो चुका है, जिहड़ा नींबू ऐड किया सी ना उहने थोड़ी जी इसकी कोएगुलेशन शुरू कर दिती है। आपां सारा कीमा इस च ऐड कर देंगे, ते हुण जी चंगी तरह इह कीमा जिहड़ा ना इह मसाले नाल मिक्स करके इहदी भुनाई आपां करांगे। तो देखो जी हुण आपां नूं कीमा कुक करते हुए भुनते हुए ना 10 तो 12 मिनट हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा दसदा कि एक कुकिंग साइन जिहड़ा हुंदा ना कि हुण कीमा पक गया किवें पता लगता है, आ देखो आ रहा ना सिजल साउंड, मतलब कि सारा जिहड़ा पानी सीगा वो इवैपोरेट हो गया, कीमे ने तेल छड्ड दिता, सारा देसी घ्यो छड्ड दिता, तो जिहड़ा सिजल साउंड है ये आना शुरू हो गया। जदों सिजल साउंड आना शुरू होए मतलब कि कीमा थोड़ा पक चुका है। हुण आपां ऐड करांगे जी इस च बॉयल किए हुए मटर, ओ इन्ना सोहना रंग आया ना जी मज़ेदार, ते नाल असी ऐड कर रहे हैं थोड़ा जिहा चॉप किया हुआ धनिया, ये दोनों चीज़ों नूं चंगी तरह मिक्स कर लेना। ते लो जी हुण आपां आ गए फाइनल स्टेज ते, हुण जी स्लो हीट ते ना जी ढक्कन लगा के 2 to 3 मिनट इस नूं होर पकन देवांगे, ताकि सारे फ्लेवर जिहड़े हैं अब्जॉर्ब हो जाण, ये धनिए का फ्लेवर ते मटर आपस दे विच मिक्स हो जाण, तो फिर आप करते हैं सोहनी जी प्लेटिंग, फिर थोड़ा टेस्ट करके दसदा कि फ्लेवर ते टेक्सचर किस तरह का आया। तो लो जी मटर कीमा मसाला साडा बन के तैयार है जी, बहुत वधिया इसकी लुक आई है, बन नूं कीता टोस्ट, पाओ नूं उहदे विच मैं कीमा भर लिया, तो इस तरीके नाल भी तुसीं कीमे नूं इंजॉय कर सकते हो। बाकी जो थोड़ा मूड होवे लच्छा पराठा बना लो, तुसीं नाल कुलचे सेक सकते हो, जो थोड़ा मन होवे। मेरे तो जी रुके नहीं जा रहा, आप करते हैं जी इसनों टेस्ट, बहुत इंट्रस्टिंग, देखो कितना सोहना टोस्ट बनया, ये मज़ेदार लग रहा जी ये छोटा जहा सैंडविच, वाओ बहुत अमेजिंग कीमा तैयार होया जी। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।